हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन LIC एडियो के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं वो मॉक नंबर 10 के करने वाला हूँ मैं, ठीक है। साथ साथ में कुछ और भी कर लेंगे, पेपर के अंदर टाइम बचेगा तो जल्दी जल्दी करूँगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये LIC AA के लिए, यदि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉम्बो लेना है, मॉक प्लस PDF कोर्स, तो आप ले सकते हो। GM12 कोड लगा लेना, गाइडली की तरफ से है, जिसके अंदर आपको 20 प्रीलिम्स के मॉक मिलेंगे और 10 मेंस के मॉक मिलेंगे, ठीक है। PDF कोर्स मिलेगा 50+25 डे का, तो वो प्री प्लस मेंस का सारा अवेलेबल है, दोनों इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में है। और PDF कोर्स का वो भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिस किसी को भी लेना हो तो वो ले सकता है, ₹350 का, उसमें 12% ऑफ मिल जाएगा यदि आप कोड लगा लोगे GM12। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो अपन सिर्फ मैथ मैथ ही करेंगे, इंग्लिश में कर देता हूँ चलो, जिससे क्या है कि जो मेरे को नहीं आएगा वो मैं हिंदी में कर लूँगा, और बाकी अपन अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन करने हैं मोस्टली। तो ये अपन कर देते हैं सबमिट सेक्शन। अब आगे क्वांट, ये अपन चलो बाद में कर लेंगे ये वाली चीज़ें, पहले अपन स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक। कहाँ है, यहाँ से उन्होंने बोला है प्रेजेंट एज ऑफ राम इज ट्वाइस द प्रेजेंट ऑफ विनीता। विनीता से ये यहाँ पे है राम, ठीक है, विनीता, और ये राम हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राम इज द ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ, तो ये 2x हो गया और ये x हो गया, ठीक है। राज इज 4 ईयर ओल्डर देन विनीता, राज भी है साथ में तो वो विनीता से 4 ईयर्स ओल्डर देन है। देन आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ द विनीता एंड राज, विनीता और राज का 6 साल बाद में एक्स प्लस 6 हो गया और ये हो गया x+10 हो गया, मतलब 6 उधर हो गया और 4/5 हो गया, तो ये 4/5 तब आता है 10, और ये 10 मतलब ये 20 हो गया, और ये 10 16, हाँ मतलब x का मान आ गया 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 रखेंगे तो 16 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, तो 4/5 बन गया, x का मान आ गया 10। द प्रेजेंट एज ऑफ द राम, राम की प्रेजेंट एज कितनी है, 2 × x का मतलब 20 हो गया, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से, तो ये यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये ट्रेन वाले भाई मैंने इतने कर लिए, आज मैं ट्राई करूँगा क्वेश्चन करने की, हो जाएंगे। तो DST फॉर्मूले से मैंने सीखा है सबसे पहले तो कि डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड एंड टाइम, तो अपन को जो जो चीज़ दी होगी, ए एज ए लेंथ ऑफ लेंथ दे रखी है, एक ही हाँ मतलब डी दे रखा है एक्स, ठीक है, और उसके आगे अपन को S × T चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है, पोल स्पीड हो 144, हाँ तो 144 मिल गया, × 3.75 मतलब 375 लिख देते हैं, इसको 100 लिख दिया, ये होता है 25 × 15 375, ठीक है। ये होता है 25 × 4, तो ये 25 से 25 कट गया, 4 से 36 हो गया, 144 होता है, 36 का 1.5 गुना होता है 54, तो ये हो गया 540, तो ये आ गया अपने पास में 540 डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेन बी हैज़ ए लेंथ सेम एज ट्रेन ए, क्रॉसेज एज प्लेटफॉर्म इन 5 सेकेंड्स, एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 25% मोर देन द स्पीड ऑफ ए। ए की कितनी थी, 144 थी, और वो कह रहा था 100 और 125 हो गया, तो ये बी की है, ये ए की है, तो 4:5, 4 की वैल्यू 144, एक आ गया, एक की वैल्यू आ गई 36, 36 × 5 180, ठीक है। वो बोल रहा है बीज लेंथ सेम एज द क्रॉसेज, हाँ वो बोल रहा है, ठीक है, तो वो बोल रहा है एक्स प्लस में 540, और ये बोल रहा है 180 × 5 से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में बोला फाइंड द प्लेटफॉर्म लेंथ, हाँ ठीक है, एक्स प्लस 540 बराबर में हो गया 900, 900 में से 540 गया, ये 9 × 6 = 54 हो गया, और ये बच गया 6, बच गया 360, बच गया 360 आ गया 360, ठीक है। उसके बाद में अनु कवर 2 km in 20 मिनट्स, मतलब एक करेगा 10 में, ठीक है, अन्नू एक करेगा 10 में। दिव्या कैन कवर है 15 km in 15, मतलब 1 घंटे में ये कर रहा है, ठीक है, 10 मतलब ये हो गया 2:3 हो गया। इफ़ दे बोथ पार्टिसिपेट इन ए रनिंग रेस एंड अन्नू डिफिटेड बाय 200 मीटर, 200 मीटर, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। अब अपने पास में ये हो गया टाइम, अपने पास में स्पीड चाहिए, तो ये 3:2 हो गया, और ये इन दोनों का डिफरेंस है 200, और वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ पूछ रहा है, तो 600 लेंथ आ गई 600। उसके बाद में क्वेश्चन है, व्हेन रुपीज ए इन्वेस्टेड इन स्कीम एम, ठीक है, विथ सिंपल इंटरेस्ट 12%, विच गिव्स इंटरेस्ट 3600, मतलब 3600 रुपये का इंटरेस्ट SI दे रखा है, तो और अपने पास में 12 × 2, ठीक है, तो ये हो गया 24, 24 का 1.5 गुना होता है 36, तो ये हो गया, एम का मान आ गया 15,000,
और इसमें 3600 ऐड कर दिया तो ये आ गया ए 18600। ये यहाँ तक आ गया। इफ़ ए माइनस 1000, मतलब ए माइनस 1000 मतलब 15000 माइनस 1000 हो गया तो ये 14000 हो गया। ठीक है, इन्वेस्टर फॉर 2 ईयर्स इन स्कीम एंड ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 10% का, मतलब 10% का निकालना है तो ये हो गया 1400, ये 1400, 1400 का 10% 140, तो ये हो गया 28, 2940 आ गया। ठीक है, ये इसमें जोड़ देते हैं अपन 2940, तो ये हो गया 2940 जोड़ दिया तो ये हो गया 16940। अब पूछा क्या, फाइंड द डिफरेंस अमाउंट रिसीव। ठीक है, अमाउंट रिसीव हो गया टोटल, अपन ने ये अमाउंट पहले ही निकाल लिया नहीं तो बाद में निकालना ही पड़ता, तो ये हो गया 16940 जीरो छः, और ये 15 में से हो गया 660, और ये इधर से 8 में से एक बच गया यहाँ पे, तो 1660 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए ट्रेड मार्क का आर्टिकल 80% ऑफ इट स्कोर्स प्राइस, मतलब CP 100 है तो मार्क प्राइस हो गया 180। ठीक है, देन आर्टिकल गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 22.22, मतलब 11.11 होता है 1/9, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/9 का 180, तो ये हो गया 20, 40 घटा दिया 140 आ गया। देन द फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, मतलब 40% प्रॉफिट हो गया, ये तो सीधा सीधा इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे आ गए। पर्सन एस एंड ए, एस एंड ए इन्वेस्टर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनका 1000 और इसका है 2000। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ एस लेफ्ट, मतलब 6 मंथ तक इसने काम किया है, और बिजनेस स्टार्ट एंड फ्रॉम द बिजनेस एंड एम ज्वाइन हो रहा है, और वो कह रहा है कि कुछ पैसा लगा के और एट दी एंड, मतलब एंड हो गया, तो ये 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रेशियो दे रखा है एस ए, एस का दे रखा है 2, इसका दे रखा है 8 और इसका दे रखा है 3। ठीक है, तो ये हो गया 6000, ये हो गया 12 दूनी 24000, और ये हो गया एक्स इंटू 6, तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये हो गया 2 3 8 3, तो ये 3 हो गया 3, तो ये हो गया यहाँ पे हो गया ए, 3 का मतलब हो गया 3000 इंटू 6, तो 18000 30, हाँ 3 से 3, तो ये 3000 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू 3000 आएगी यहाँ पे, तभी तो वो 3000 आएगी ऑप्शन में, 3000 आएगी। एम ही पूछा है कि फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टर में एम, हाँ तो यही पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, ये सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 सब में लगी हुई थी। अब आगे का क्वेश्चन है पी क्यू आर अलोन वर्क, पी क्यू और आर, ठीक है 30 45 और 60, मतलब इनका हो गया 90 नहीं हो सकता क्योंकि 45 चला जाएगा, 60 नहीं जाएगा, 90 180 हो गया, तो ये हो गया 6 4 और ये 3। ठीक है, जे स्टार्ट वर्क, पी लेफ्ट 10 डेज बिफोर कंपटीशन ऑफ वर्क एंड क्यू लेफ्ट 5 डेज कंपटीशन वर्क, हाउ मेनी डेज द होल वर्क कंप्लीट। ठीक है, तो पी उसने बोला है कि एक्स माइनस 10, मतलब पी का वैल्यू कितना है 6, तो एक्स माइनस 10। ठीक है, प्लस वो कह रहा था क्यू जा रहा है एक्स माइनस 5 में, क्योंकि क्यू लेफ्ट कर रहा है, प्लस ये 3 का सीधा ये एक्स डेज काम कर रहा है, तो टोटल 180 हो गया, तो 6x 4x 10 3 13x। ठीक है, 13x ये हो गया 60 और ये हो गया 20, 80, 180 में 80 जुड़ गया तो 260, तो एक्स की वैल्यू होगी 20। तो पूछा गया फाइंड द होल वर्क कंप्लीट, हाँ एक्स का 20 आ गया। अब ये पूछा है क्लियर ट्राइंगल, ये होता है सम, एक सेकेंड मुझे हिंदी में देखना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज होता है 3/3/√, ऐसे करके रुको एक सेकेंड, 3/4a² ये होता है। ठीक है, ये इसका एरिया होता है, अपन को क्या पूछा, एरिया पूछा है, उसके बाद उन्होंने दे रखा है हाइट दे रखी है, हाइट होती है 3/2 2 * a बराबर में 18 होता है, ये हाइट का फॉर्मूला होता है, तो a आ गया 36/√3, हाँ यही है ना, हाँ ठीक है, तो एरिया पूछा 3/4 * यहाँ पे आ गया 36 * 36 और यहाँ पे आ गया 3, क्यों √3 √3 3 हो गया, तो 12 3 36, 36 3 108, 108√3, 108√3, 108√3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा है टोटल डिस्टेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब कि अपस्ट्रीम आएगी यहाँ पे। ठीक है, एंड द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ द अलोंग द स्ट्रीम इज, मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम दे रखा है
एक्स प्लस 100 और इधर आएगी डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जो भी है एन 7 आवर्स में। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब देर क्या रखा है, द स्टीम स्पीड इज 14.2.8%, ये होता है 1/7, 1/7 ऑफ द डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम दे रखा है। और वो उसने क्या बोल रखा है कि ये होती है ए स्ट्रीम, ये स्ट्रीम दे रखी है एक तरह से, ये उसने लाइन बोली है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4। अच्छा ये 4 दे दिया, तो अपने पास में डाउन स्ट्रीम आ गया, इधर से मल्टीप्लाई किया 8, 28। यदि डाउन स्ट्रीम अपने पास 28 है और करंट अपने पास में मतलब कि 4 है, तो बोट आ गई 24, और अप स्ट्रीम में कैसे हो गया 24, और अप स्ट्रीम कितना हो गया 24 में से 4 गया 20, अप स्ट्रीम 20 आ गई। तो एक्स बाय 20 प्लस एक्स प्लस 100 बाय डाउन स्ट्रीम 28 है और ये 7 है, तो 28 56, 28 दूना 40, 140, 28 5 140, ठीक है, तो ये हो गया 7x और ये हो गया 28 5, 5x प्लस 500 बराबर में ये हो गया 7 है, तो 7 14 7 98, 980 में से 500 गया 0 8 और ये 480, तो 12x, तो x बराबर आ गया 40। अब उसने पूछा क्या, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x x की वैल्यू पूछी है, 40 आ गया, x की वैल्यू आ गई 40। अब इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर वर्किंग इन रेशियो, मेल्स और फीमेल्स का रेशियो है 2x और 3x, द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 20%, 20% मतलब कि हो गया 120, ये हो गया 5/6/5, मतलब 1/2 बढ़ गया इसका, 1/2 का ये हो गया 2.4x, ठीक है। और उसके बाद बोला था नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 20, तो ये हो गया 20, ये इंक्रीज बाय 20, ये फीमेल्स इतनी होगी, मेल्स इतने हो गए, ठीक है। देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 32 मोर देन द मेल्स आफ्टर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के बाद में, तो ये हो गया डिफरेंस 0.6 प्लस 20 का, और ये बोल रहा है कि 32 ज़्यादा है, तो ये 0.6 बराबर में हो गया 12, एक्स बराबर हो गया 12/6 इंटू ये हो गया 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज और टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 5.4x प्लस 20, तो 5.4 इंटू 20 हो गया 108 प्लस 20, 128 हो गया, और पुराना कितना है 5x है, 5x मतलब 5 इंटू 100 मतलब 20, 5 इंटू 20 100 हो गया, तो ये हो गया 128, 28 पूछा क्या है, इंक्रीज परसेंटेज 28% बढ़ रहा है सीधा सीधा 28%। तो अपन स्टार्ट में पहले क्वेश्चन में पूछ के हैं, ये कर लेते हैं अपन, जितने देखते हैं कितने होते हैं, 24 30 72 और 96, 72 96 रुको, 96 इंटू 5 मतलब 480, 72 और 480 और इधर से 484 घटाना है, 7 5 5 552 में से ये कितना घटाना है 484, 14 में से 6 गया 12 में से 4 गया 8 और 14 में 6 गया 8, 14 में से 8 गया 6, 68। उसके बाद में है 12.5%, मतलब 1/8 इंटू 2464, 8 3 24, 8 2 64, 308 माइनस ये है 40, 40 इंटू 280, 28 चौका है 112, 308 में से 112 गया तो 6 9 और 196, तो वो स्क्वेयर है तो वो 14 की हो गया। इसके बाद में 56 इंटू 32, 56 इंटू 32 बटा में 144 इंटू 9 9, ये गया 16 से 16 दूनी 32, 112 होता है ये, 56 दूना 112 और इधर से 184 में से 112 लेस कर दिया था 2 और ये 7 72, तो 72 इंटू 100 हो गया, ये इधर चला गया 360, तो 72 5 360 होता है, 5 से 20 कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अब आगे आइए, आगे रह गया ना ये क्वेश्चन, 24 इंटू 36, 24 इंटू 36 माइनस 12 इंटू 36, तो ये इधर से 24 में से इधर गया तो ये बच गया 12 इंटू 36 ही बच गया, और ये x इंटू 5 माइनस 528, तो ये इधर प्लस में हो जाएगा, 12 6 72 7 बच गया, और ये 12 3 36 और 43 और 528, तो 0 6 और ये 900, तो ये 5 96 96 दोनों 190 180 और 12 192, चौंसठ, तो
ये कट गया 512 बटा में 64 हो गया, इंटू 8, 8 64 से कट गया तो 8 ये 64 ही आ गया, 64 5 320 और 184, 40 और ये 5, 504 है क्या कहीं पे? हाँ 504 ये है मिसिंग नंबर सीरीज। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 14 41, मतलब ये बचे 7 और 2 27 और ये बच गया 41 60 और 4 64। ठीक है, हाँ मतलब क्यूब हो रहा है 2 3 4 5 6 का क्यूब 216, ये हो गया 446। ये है उसके बाद में 12, ये है 8 10 12 14 16, 62 और 10 72। उसके बाद में 7 और 9 16 और ये हो गया 18, ये हो गया 24 36, मतलब ये डबल डबल हो रहा है तो ये 72 होना चाहिए। हाँ 72 हो रहा है, 144 मतलब 280 और 6 286। उसके बाद में है 3 3 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 3 6 9 12 15, तो ये हो गया 38 और 15 53। उसके बाद में नेक्स्ट, पाँच पाँच सात ये 9 11 ये 13, तो ये हो गया 50। ये अब आगे है x+2 हो गया, तो x+2 = 9, x की वैल्यू आ गई 7, y-3 का तो y-3 = +3 और -3, तो ये इधर चला गया तो ये +3, तो ये 6 हो गया, इधर +3 तो ये 0 हो गया 6, तो ये x बड़ा है। x2 तो x का मान आ गया +12 -12, y का मान आ गया 0 और y का मान आ गया 11। ठीक है, हाँ -11 भी बोल सकते हो आप उसको, y, हाँ -11 भी बोल सकते हो, बट वही है कि 0 एक बड़ा है तो छोटा है तो संबंध स्थापित नहीं होगा। उसके बाद में है x का मान है 11 और इसका है 9 7 63, तो x बड़ा है फिर से। उसके बाद दे रखा है एक्स प्लस, रुको ये शायद मेरे को लगता है हिंदी में गलत है ये, इसमें हाँ हिंदी में सही है, एक्स स्क्वेयर और इधर आ गया, ये हो गया 2x और ये -15, तो 5 दिए। ठीक है, तो इसमें बड़ी वैल्यू नेगेटिव छोटी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है 7 5 35, -7 -5, तो ये हो गया x बड़ा बराबर है y, x बड़ा बराबर है y। और ये है y का, x का मान आ गया 9, ठीक है y का मान आ गया y-2, 9y-2। ठीक है, तो ये हो गया y स्क्वेयर प्लस 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 9, तो y स्क्वेयर माइनस का 5, तो ये मतलब पहले ये लिख लेते हैं 4y माइनस का 5, तो 5 और 1 आ गया। ठीक है, ये 9 है और ये क्या है, छोटी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एक्स बड़ा है वाई से। तो ये यहाँ पे अपने 25 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये डीआई है, ये डीआई तकड़ी डीआई थी करने लायक। ठीक है, अब टाइम हो गया है नहीं तो इसको चलो करते हैं, 2 मिनट में ट्राई करता हूँ मैं, जितनी भी होगी। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें तो क्या गिवन है वो भी देखना पड़ेगा, पहले 2 3 बार तो नीचे ऊपर ही करनी पड़ेगी। इसमें दे रखा है मेल विजिटर का दे रखा है और 54 दे रखा है मार्च का, मतलब अपने पास में 54 डिग्री दे रखी है सिर्फ मार्च की दे रखी है, तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल मिला के 360 होता है, तो ये 54 लेस कर दिया तो ये हो गया जनवरी फरवरी और ये अप्रैल को मिला के ये हो गया 54, इधर से गया 50, ये 306 हो गया, 306 डिग्री दे रखा है। फरवरी में दे रखी है मेल से, तो फरवरी और मार्च
फरवरी और अप्रैल का दे रखा है, फरवरी और अप्रैल का दे रखा है अपने पास में 3:2। जनवरी में दे रखा है 1 साल संख्या में जनवरी में 2/7 गुना कम है, तो जनवरी का दे रखा है 2/7 गुना होगा, मतलब 7/9 इंटू फैब प्लस मार्च, ठीक है, ये दे रखा है ऐसे करके दे रखा है जनवरी का। तो उसके बाद में दे रखा है महिला गंतुओं की संख्या, तो अब यहाँ पे जनवरी का मान यहाँ रख देंगे 7/9 प्लस ये फैब प्लस मार्च, ठीक है, और मार्च का अपन को दे ही रखा है 54 डिग्री, तो मार्च की जगह 54 रख देंगे, ठीक है, हो गया हो गया, अभी हमें मार्च की जगह 54 रख देंगे, प्लस ये फैब रख दिया, ये फैब नहीं, हाँ ये फैब का फैब आ जाएगा और ये अप्रैल का अप्रैल आ जाएगा, ठीक है, और 360 आ जाएगा यहाँ पे, और ये मार्च का आ जाएगा। अब फरवरी और फैब और अपने पास में अप्रैल का रेशियो दे रखा है, तो वो रेशियो यहाँ पे पुट कर देंगे, उससे अपने पास में ये सारी वैल्यू आ जाएगी, एक उससे अपन इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये DI अभी मैं करूँगा ये सबमिट करने के बाद में, तो ये सबमिट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ सबमिट सेक्शन करके, ये सबमिट कर देते हैं अपन, जिससे अपन को पता लग जाए कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो 24-25 क्वेश्चन किए थे, हाँ ये 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 सही हैं अपने, ठीक है, तो वो उसको बाद में सॉल्व कर ली लूँगा मैं क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिस किसी को भी वो गाइडली का कुछ भी लेना हो तो आप ये GM12 कोड लगा के यूज़ कर सकते हो, आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।